मैं बता दूं कि इस वक्त मैं सनातन धर्म विद्यालय के पास हूं, जो चेंबूर के आरसी मार्ग पर स्थित है और ये यहां का एक लोकप्रिय स्कूलों में से एक है। हम बात करते हैं स्कूल के जो संचालक मंडल के मुखिया हैं श्री शिव कुमार कटारिया, इनका क्या कहना है योगा के बारे में। शिव कुमार जी, आप ये बताइए कि इस बार का योगा आपके लिए कैसा रहा? योगा जो मैं करता हूँ ना, मैं सिर्फ अपने घुटने और कमर की वजह से करता हूँ। वैसे ये योगा जो है हर बच्चे के लिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक करने के लिए बहुत फ़ायदा है। कई लोगों को पेट में गैस होती है, उसका फ़ायदा। फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि आपको पेट की गड़बड़ी है, भूख लगने की बहुत है। क्यों, पहले जितने भी महात्मा लोग आते थे सब ऐसे ही करते थे। हमारे महात्मा आते थे वेद व्यास जी, हमारे को ऐसे ऐसे योगा कराते थे, नाक में रस्सी डालो, गले में से निकालो, जो कि आपका गला वगैरह हर वक्त साफ रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके स्कूल की, आपके स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं जिस तरह आज योगा में लीन हैं, आज तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस पर आप क्या बताएंगे? हम तो जब भी पहला हुआ था ना योगा, तभी मैं सुबह 7:30 बजे आया था देखने के लिए बच्चों को कैसे हमारे टीचर या करते हैं सब कुछ सुबह से। फिर दूसरे में दोपहर को आया, ये टाइम भी मैं सुबह से आया, कल से बोल के गया था मैडम को कि उसकी बच्चों की जो भी प्रोग्राम होवे उनकी फ़ोटो वगैरह बननी चाहिए साथ में। क्योंकि जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे स्कूल को बोला कि चेंबूर में बहुत अच्छा स्कूल, उसका अवार्ड दे रहे हैं 5 बरस से, तो इसके लिए हम चाहते हैं नहीं ये भी काम पूरा होना चाहिए। आज उसी हिसाब से हिंदी मीडियम का जो एडेड स्कूल है हमारा, उसका पूरा रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखित में फोटो के साथ जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के दबाव में आप लोग योगा करा रहे हैं या आपकी मनोकामना ऐसी थी? मेरी मनोकामना इसके लिए है, जो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने योगा सिखा दिया सबको। आज शायद आप भी बैठे होंगे टीवी में, फ्रांस, पेरिस, लंदन, अमेरिका, चाइना का कहां कहां तक आपने देखा, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा उसका प्रचार किया। मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ में भी हमारी जो गेमें होती थी जो योगा के अभ्यास से ही होती थी, जैसे नीचे आपने भी देखा मैंने भी देखा। इसके लिए बच्चों को भी बोला कि आप सुबह को 15-20 मिनट रोज़ जरूर करनी चाहिए, जो कि अपने शरीर के लिए भी अच्छी है। इसके लिए मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी है। आज हमारा प्रधानमंत्री रात को 4 या 5 घंटे सोता है, फिर भी उस योगा रोज करता है। कुछ भी हो गए, अमेरिका में जावे, कहाँ भी जावे, उसका नियम है कि सुबह को योगा करना है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि शिव कुमार कटारिया जी ने अपने साथ साथ अपने छात्रों को भी, अपने स्कूल के सारे छात्रों को और शिक्षकों को स्वस्थ बनाने के लिए एक के बाद एक अपना प्रयास जारी रखे हैं और आशा है कि इनके साथ साथ इनके सारे छात्र भी स्वस्थ ही रहेंगे। CNN News, मुंबई।